आशाओं पर भारी पड़ी परंपरा, निर्मला सीतारमण ने बजट में नहीं किया कोई बड़ा ऐलान। देखिए जनता को क्या मिला और क्या नहीं। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से बड़े उद्योगपतियों को दिया गया फायदा। चुनावी साल में सरकार से थी बड़ी उम्मीदें, वित्त मंत्री ने अपने ही अंदाज में दिया संदेश। बजट का हर पॉइंट इस वीडियो में समझिए। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। वित्त मंत्री का यह बजट भाषण मात्र एक घंटे में ही खत्म हो गया। इस बजट में कोई बड़ा ऐलान भी नहीं किया गया। ये चुनावी साल है तो इस बार किसी ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है और राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। चलिए आपको इस बजट की हर वो बड़ी बात बताते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। जीएसटी संग्रह 2 गुना हो गया और जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा और हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है। जल्द ही 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे और यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया गया है, अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया गया है। रूफटॉप सोलर के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है और सरकार का आर्थिक प्रबंधन इस उच्च स्तर का है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अमृतकाल के लिए अपनी रणनीति भी बताई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दे और बनाए रखे। समावेशी और सतत विकास की सुविधा जनता को दी जाएगी। उत्पादकता में भी सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए समान अवसर पैदा करना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को एक नई दिशा दी है। देश में बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है। हमने 3,000 नए ITI स्थापित किए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है और ये बदलाव सकारात्मक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब साल 2014 में सत्ता संभाली थी तब सामने कई चुनौतियां खड़ी थी, लेकिन हमने सभी चुनौतियों का सामना किया और देश सकारात्मक गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को उसके शानदार काम के आधार पर लोग फिर से शानदार जनादेश देंगे और जुलाई में मैं फिर से पूर्ण बजट पेश करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।